क्या आप जानते हैं आप अपने मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट खरीद सकते हैं? क्या आप जानते हैं चार्ट बनने के बाद भी आप अपने मोबाइल से कंफर्म टिकट खरीद सकते हैं? चार्ट बनने के बाद भी अपने मोबाइल से चलती ट्रेन में खाली बर्थ ढूंढ कर टीटी से कंफर्म टिकट ले सकते हैं? देखेंगे ये सब जानकारी इस वीडियो में। तो मैं हूँ रश्मि, आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल व्लॉग। अगर इसमें से एक भी जानकारी आपको पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली जानकारी है मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट कैसे खरीदते हैं। मैंने तो आज तक प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे के टिकट काउंटर पे ही खरीदा है, पहली बार मोबाइल से खरीदूंगी। इसके लिए आपको मोबाइल में इंडियन रेलवे का UTS मोबाइल टिकटिंग ऐप डाउनलोड करना होगा। पूरा स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखाती चलती हूँ। इस ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला है नॉर्मल बुकिंग, जिसे आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म बुकिंग, जिससे आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल टिकट बुक करके दिखाती हूँ। इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है लिख दीजिए। मैंने नई दिल्ली से पटना लिखा है। इसके बाद आपको कितने टिकट लेना है वो लिखिए। आप 4 बड़े पैसेंजर तक का जनरल टिकट ले सकते हैं और बच्चे का भी जनरल टिकट ले सकते हैं। आपको मेल या एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन से जाना है वो लिखिए। उसके बाद पेटीएम या ATM कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और हो गया टिकट बुक। टिकट आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप मोबाइल से ही अपना टिकट टीटी को दिखा सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना सीखते हैं। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का टिकट खरीदना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली लिखना पड़ेगा। मैं सेवानगर स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, इसलिए मैंने सेवानगर लिखा है और 10 रुपए का पेमेंट पेटीएम से कर दिया है। इस तरह मैंने मोबाइल से प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लिया। याद रहे, प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने से पहले आपको स्टेशन के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। घर बैठे आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीद सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म टिकट आप किसी और के मोबाइल में भी नहीं भेज सकते हैं। अब जानते हैं कि चार्ट बनने के बाद भी मोबाइल से कंफर्म टिकट कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप बिना ऐप डाउनलोड किए भी IRCTC के वेबसाइट से टिकट खरीद सकते हैं। मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इस ऐप से या IRCTC की वेबसाइट से टिकट खरीद सकते हैं। मैं आपको IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट खरीद के दिखाती हूँ। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक जाना है वो लिख देते हैं। मैंने नई दिल्ली से अहमदाबाद लिखा है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं। अगली ट्रेन 4:15 पे है। ये नई दिल्ली से बांद्रा टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। इसकी चार्ट बन गई है। स्लीपर में टिकट नॉट अवेलेबल दिख रहा है, थर्ड AC में भी नॉट अवेलेबल दिख रहा है, और ये देखो फर्स्ट AC में 1 टिकट दिख रहा है, जिसे आप चार्ट बनने के बाद भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से टिकट करिए बुक और करिए ट्रेन में यात्रा। इस तरह आप ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले देख सकते हैं कि किसी ट्रेन में अभी भी टिकट मिल रहा है या नहीं। कई बार चार्ट बनने के बाद भी बर्थ खाली रहता है। उस स्थिति में आप उस 4 घंटे के दौरान IRCTC की वेबसाइट से या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल से चलती ट्रेन में खाली बर्थ कैसे ढूंढे। आपको ये करके दिखाती हूँ। मैं दिल्ली से हरिद्वार का टिकट देख रही हूँ। अभी दोपहर के 1 बजे है। 18477 उत्कल एक्सप्रेस 1:20 पे दिल्ली से चलने वाली है। मैं टिकट चेक करती हूँ। स्लीपर में नॉट अवेलेबल दिख रहा है, थर्ड AC में भी नॉट अवेलेबल दिख रहा है, AC 2 टीयर में भी नॉट अवेलेबल दिख रहा है। अब क्या करे, कैसे टिकट ले। सिर्फ 20 मिनट बचा है ट्रेन चलने में। IRCTC की वेबसाइट पे एक चार्ट वैकेंसी ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। इसमें ट्रेन नंबर लिखकर खाली बर्थ ढूंढते हैं। मैं स्लीपर में खाली बर्थ ढूंढती हूँ। इसमें तो 834 सीट खाली है। आप देखती हूँ दिल्ली से हरिद्वार या उसके आगे तक कौन सा बर्थ खाली है। दिल्ली से ऋषिकेश तक बहुत सारे बर्थ खाली है। S1 में 20, 19, 14 सब खाली है।
अब एक जनरल टिकट लेकर इन खाली बर्थ पे जाकर बैठ जाइए और टीटी के आने पे इस बर्थ का कंफर्म टिकट ले लीजिए। आपको टीटी को सिर्फ जनरल और स्लीपर के किराए का अंतर देना होगा। तो इस तरह 20 मिनट पहले भी ट्रेन में खाली बर्थ ढूंढकर कंफर्म टिकट ले सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए ताकि ये नई जानकारी सबको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे।